नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा है कि कल दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश आ रहे हैं, यात्रा को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। सभी लोगों की उपस्थिति में तैयारी की जाएगी। 20 जिले में यात्रा की जाएगी। बोधगया में यात्रा का अंत होगा। राहुल गांधी के आने पर कहा कि जहां जहां राहुल नहीं जा रहे हैं वहां नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सीनियर लीडर नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी के बिहार में आने की संभावना कम है, कुढ़नी चुनाव पर कहा है। तो वहीं बीजेपी की सेकेंड पार्टी AIMIM और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महागठबंधन पर मजबूती से लड़ेगा और जीत होगी। शराबबंदी को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यों में अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की इस मुहिम से लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, और क्या कुछ कह रहे हैं भक्त चरण दास, आइए हम सुनते हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा बिहार के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा बिहार में होगा और वो भी लगभग 50 दिन का होगा लगातार। उस संदर्भ में बातचीत होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बिहार का जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अवधेश सिंह जी हैं। कल श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख नेतृत्व ले रहे हैं और श्री जयराम रमेश जी दोनों आ रहे हैं और उस यात्रा के संदर्भ में कोऑर्डिनेट करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर्स, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, हमारे जितने MP, MLA, मिनिस्टर और जितने सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोगों की उपस्थिति में कल भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में होगा वो समंदर मंथन की तरह आज मानवता के लिए धर्म की मंथन किया जाएगी और लगभग 20 जिले में यात्रा को पहुंचने की बात किया गया है। लेकिन यात्रा हर जिले से निकलेगी और एक प्रमुख धारा में बातचीत हुई है, अभी तक कल फाइनल होगा। ये सोचा गया है कि मंदार से निकलकर, समंदर मंथन से निकलकर हर धर्म तीर्थ स्थली जो है बिहार में, हर धर्म के दौरा करते करते बोधगया में अंत किया जाएगा। राहुल गांधी रहेंगे इस यात्रा में? यात्रा राहुल जी का जो है भारत जोड़ो यात्रा एक लाइन दक्षिण से पूरा उत्तर तक का निर्धारित है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उस यात्रा के साथ इस यात्रा को जोड़ने के लिए हर राज्यों में यात्रा किया जा रहा है। जहाँ जहाँ वो नहीं जा पा रहे हैं उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है और उस यात्रा का लक्ष्य को हासिल करने के लिए और उस यात्रा के जोड़ने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए सभी प्रकार के जाति धर्म वर्ण के साथ जो काम किया जा रहा है, जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, उसको सफल करने के लिए हर राज्यों में हो रहा है। यहाँ नेतृत्व कौन करेगा यात्रा का? यहाँ नेतृत्व सभी लोग करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, कोऑर्डिनेटर करेंगे, हम खुद भी करेंगे और जितने सीनियर लीडर्स हैं, अब अखिलेश सिंह जी MP हैं वो भी करेंगे, हमारे मंत्री लोग भी करेंगे, सबको चलना पड़ेगा। बोधगया में जो यात्रा का अंत होगा तो वहाँ राहुल जी रहेंगे? राहुल जी उस यात्रा में रहेंगे नहीं रहेंगे वो बातचीत किया जाएगा। अगर एक दो दिन ब्रेक होता है तो उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उस समय वो कहाँ पे होंगे। अगर वो दिल्ली से पार हो गए होंगे तो संभावना नहीं, क्योंकि जब तक वो पहुँच रहे होंगे तब हम लोग भी पहुँच रहे होंगे, इसलिए संभावना कम है राहुल जी आने की। आपकी यात्रा का डेट संभावित क्या है? संभावित कल तय किया जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा यात्रा का डेट कब से शुरू होगा और कब अंत होगा। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।